वेलकम बैक गाइज, आई होप आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज यार, फाइनली हमारे फ्री फायर के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है गाइज, एक्सीमेट का जो ईवो स्किन है वो फाइनली फ्री फायर में आ चुका है। तो गाइज यार, इस ईवो स्किन का नाम है गाइज डेस्टिनिटी गार्डियन स्किन का नाम है, और गाइज ये है भाई एक्सीमेट, जो कि यार ARMO गन है। आप लोग बोल सकते हो कि लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी गन है। तो गाइज देखो, सबसे फर्स्ट भाई ये स्किन आप लोगों को कैसी दिखने वाली है वो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, और भी बहुत से लोग ये पूछेंगे कि यार इसको निकाले या हम नहीं निकाले। तो गाइज मैं आप लोगों को सब रिव्यू दे देता हूँ उसका, क्या आप लोगों को निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, कम से कम कितने डायमंड लगेंगे इस गन स्किन को निकालने में। अगर गाइस आप भी चाहते हो कि आपके 200 डायमंड के अंदर अंदर निकल जाए, तो वो भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग ये गन आराम से निकाल सकते हो। तो गाइस देखो, सबसे फर्स्ट भाई ये गली इस एक्सीमेट बहुत से बंदों के पास ऑलरेडी होगी, तो यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा पैसा मत बर्बाद करो इसमें, क्योंकि ये गरीना ने ऑलरेडी पहले भी दी थी। इसकी गन स्किन चेंज है, बट ये गन स्किन अलग है, वो गन स्किन अलग है, और गाइस ये ईवो स्किन है। तो भाई आप लोग अगर इसको निकालते हो तो गाइस देखो, लेवल फर्स्ट की अगर आपके निकलती है तो गाइस आपके कम से कम लगेंगे 1200 से 1400 डायमंड पूरी लास्ट तक निकलने में। और गाइस आप लोगों के 1400 डायमंड के अलावा गाइस अगर आप लोगों को ये इसका डबल डैमेज जो सिंगल रेट ऑफ फायर करना है, तो गाइस उसके लिए आप लोगों को गाइस अलग से डायमंड बर्बाद करने पड़ेंगे 2000 डायमंड, तब जाके आप लोगों की लेवल 4 की होगी, और तब जाके ये गन स्किन आप लोगों के लिए काम आने वाली है। अगर गाइस आप भी चाहते हो कि आपके 1500 डायमंड के अंदर निकलेगी ये, फिर गाइस आपको तो भी आप 2500 डायमंड बर्बाद करके आप लोगों को ये गन स्किन पूरी लेवल 4 पे करनी होगी गाइस। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग भाई इसमें स्पिन करो ही मत, क्योंकि गाइस देखो अगर आप लोग ये गन स्किन निकाल भी लेते हो तो भी भाई कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई बहुत से बंदे इसको लेवल अप नहीं कर पाए, लेवल 2 या 3 तक भले पहुंचा देंगे लेकिन लेवल 4 तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो गाइस आप लोगों के पास ऑलरेडी दूसरी गन स्किन भी होगी एक्सीमेट की, डबल डैमेज वाली और सिंगल रेट ऑफ फायर वाली। तो गाइस देखो, सबसे पहले एबिलिटी दोनों गनों में सेम ही है, जो आप लोग रेट ऑफ फायर वाली जो आप लोगों को ग्रेना ने पहले दी थी, फ्री में भी आई थी एक बार डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर। तो गाइस देखो, वो वाली भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, दोनों की एबिलिटी पूरी सेम है, बस ये ईवो गन में आई है और वो नॉर्मल स्किन है। तो भाई मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना कि आप लोगों को ये गन स्किन नहीं निकालनी है। भाई अगर निकालनी है आप लोगों को तो कुछ इंक्यूबेटर के बंडल निकालो। और गाइज देखो, सबसे फर्स्ट भाई ये गन स्किन आप लोग देख रहे हो, ये अच्छी तब लगेगी तब ये लेवल 7 की होगी। गाइज लेवल 6 पी स्किन होगी ना, तब भी ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी, ये लेवल 7 पे अच्छी लगेगी। और भाई लेवल 7 को करने में गाइज आप लोगों के टोटल 12000 डायमंड जाएंगे, 9 से 12000 डायमंड जाएंगे, तब जाके आप लोगों को ये एक्सीमेट इतनी अच्छी दिखने वाली है। तो भाई ठीक है, सबसे बात आप लोगों को क्या करना है गाइज, ये स्किन नहीं निकालना। अगर कोई बंदा निकालना भी चाहता है, अगर 1500 डायमंड उस बंदे के पास है, अगर वो बंदा 400 डायमंड के अंदर अंदर ये स्किन निकालना चाहता है, ठीक है, वो की, तो भाई मेरे उसको क्या करना पड़ेगा उसको मैं समझा देता हूं। दोस्तों देखो, आप लोगों को क्या करना है, अभी स्पिन नहीं करना है, अभी आज ही आया है, आप लोगों को क्या करना है, जब 2 दिन लास्ट बचेंगे, 5वां दिन जब होगा ईवो गन स्किन का, तब जाके आप लोगों को स्पिन करनी है। इसमें काफी ज्यादा चांस है कि आपके 3 या 4 स्पिन में निकल जाएगी। अगर आप लोग आज के दिन स्पिन करते हो ये गन का, तो आप लोगों के पूरे 1500 डायमंड कट जाएंगे, ठीक है, तब जाके आप लोगों को लास्ट में मिलेगी। तो मेरे भाई आप लोग कोशिश करो कि 5 दिन वेट करो, फिर जाके निकालो। अगर निकाल नहीं है तो 5 दिन आप लोग वेट करो, लास्ट में स्पिन करना, ताकि आप लोगों को इजीली ये गन स्किन मिल जाएगी ही।